तो क्या आपको पता है हवेली कितने करोड़ों रुपए की है? मेरे सारे जानकार कहते थे तेरे पास घर तो है ही है, इसकी क्या जरूरत है, मेरा है दिमाग खराब, यूनिक चीज है मुझे पसंद, घर में टिक नहीं सकता, बाहर में जाके खा नहीं सकता, अपनी मेहनत की कमाई से अपने दोस्तों के लिए, खुद के लिए, चिल करने के लिए ये फार्म हाउस बनाया है। ये फार्म हाउस है पौने किले में, शहर के बीच में, बाहर से दिखती है अपनी हवेली ऐसी। चलो लेके चलता हूँ। ये है मेन डोर और ये हमने लगवा रखा है स्लाइडिंग डोर। कुछ ऐसे ही लड़कियां मेरे डीएम में स्लाइड करती हैं। तो अंदर आते ही आप मिलोगे मेरे दो शेरों से, डोजी जोनी। ये है डोजी, ये है जोनी। ये देखो मैं जोनी के पास आऊंगा तो इसके बहुत खुजली होती है कि मैं इसको प्यार क्यों कर रहा हूँ। आप देखो इसके पास जाऊंगा, देखो देखो, और वो बेचारा देखो कुछ नहीं बोलता, हेलो करो, हेलो 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 हेलो। अब देखना जोनी, देखो उसके, ये देखो कितना प्यारा है, पर ये इतना प्यारा है नहीं, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो अपने दो शेरों के बाद मैं मिलाता हूं अपनी तीन रानियों से। ओए होए कितनी कसुत्ती रानी है अपनी, देखो तीन एसयूवी। मेरे को एसयूवी बहुत ज्यादा पसंद है। यह है अपनी सफारी 0050 नंबर, यह है अपनी फॉर्चूनर, और इसकी तो क्या तारीफ करूं, बलैरो। बलैरो के बिना तो ये गैराज अनकम्प्लीट है, इसके बिना थोड़ी काम चलेगा। जितने हरियाणा वाले होंगे ने उन सबने एक गाना सुन रखा होगा, मैडम बैठ बलैरो में। मेरे पास ये तीन रानी तो ही है, मैं चौथी रानी स्पोर्ट्स कार मार्च में लेने की सोच रहा हूँ। तो कमेंट करके बताओ मैं कौन सी स्पोर्ट्स कार लेऊं। अरे रे रे रुको, कड़ा जान लग रहे हो, असली सौदा तो भीतर है, रुके रहो। सब्सक्राइब करो चैनल ने, लाइक करो, कमेंट करो, तुमने जिस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा तुमने भीतर के किरदार रखा। मैं खाली इंडिया का बेस्ट बॉक्सर है कोनी, तगड़ा जादूगर भी हूँ, ताड़ी मारूंगा गाड़ी गायब। ये बन गया मेरा ट्रेनिंग एरिया जहाँ पे मैं बंदे मारने की प्रैक्टिस करूँ। यो है पंचिंग बैग। अरे कर रहा है यार, बीच मारने दूर। अरे क्या हो गया यार, खड़े तो हूँ। अरे वीडियो बनाने लग रहा है यार, संगम। अरे कोई बात नहीं, दोबारा रुक 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 तू ले। अरे ना दो, गिर गया, देखिए यो गिरवा दिया यार तने मेरा। ओ यार यार तने पता नहीं, देख माइक कोई खराब हो जाएगा यार, बिना मतलब वीडियो माने। हाँ इसके पेट में मुक्का लगे, यो नहीं कटना चाहिए भाई, यो नहीं कटना चाहिए। चलो अब चलो झोपड़ी दिखाता हूँ तुमने, चलो भाई झोपड़ी दिखाता हूँ। अपनी झोपड़ी में बहुत अच्छी अच्छी फोटो है, अपने यादगार पल है। बाबा रहा देख, बाबा हेलो कर दे, नू कर दे, हाथ ला दे फटाफट, दो तीन बारी ये, हाँ हाँ आ जा भाई आ जा। यो बाबा आज झोपड़ी में अपनी पंचायत भी बहुत हुए हैं, बैठक भी बहुत ज्यादा हुए हैं, इसमें बहुत लोग आके हम फैसले भी करवाए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं इसमें। आ जाओ भाई, ये अपनी बैठक, बाहर का डिजाइन देखो, खिड़की दरवाजा का, आ जाओ भाई भीतर आ जाओ। यो है माइक टाइसन, यो है ओलीफील्ड। माइक टाइसन ने इसका कान खा लिया था और इनका मना फैसला करवाया था अभी उज्बेकिस्तान में। अरे तू कौन है रे, अरे तू कौन है, यो कौन आ गया भाई यार, नेट नहीं चल रहा था घर में। अरे तू फिर यहाँ क्यों आ गया, ये देख लो ये हमारी बैठक का हाल है भाई, कोई भी धोखा पीना है, ओका भी पीने लग रहे हो, ओका किसने दिया तेरे को भर के? भाई साहब यार दोस्त है तेरे हमारे, दे देते हैं ले यार। ये गढ़वाली है, ये चाउमीन कहां से आ गया? तो अब आप लोगों को बताता हूँ, माइक टाइसन की एवैंडर होलीफील्ड की फाइट हुई थी, माइक टाइसन ने एवैंडर होलीफील्ड का कान खा लिया था। अरे ये बात ही नहीं करा कर थे यार, उज्बेकिस्तान मिले मरे नहीं गए यार, दोस्त बुलाए, हम बीडी वाले थे, इनका फैसला करवाया, उरा बैठ के भी हम नहीं करें इस पर गए ना, उरा कहीं और भी आ जाए, उन खातर हमने खाट भी बिछा रखी, देखो खाट, दो खाट, एक खाटिया, और यो है अपना ऑफिस का टेबल, इस पर बैठ कर घोड़े बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े काम कर रखे, मेरे भी याद नहीं कितने बड़े बड़े काम कर दिए बैठ कर। चलो बाहर चलते हैं, चलो इब लोन में चल रहे हैं। यो है अपना लोन, तुमने दिखाऊंगा लोन। ए अरे या बुग्गी, या बुग्गी तुमने पता है कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों में यूज हो रही, पता नहीं कितने लोगों ने यूज कर रखी, कितने एक्टर ने, मैंने भी नहीं पता यार। चलो सब्जी दिखाऊं तुमने, ऑर्गेनिक सब्जी ओड़े मिलेगा बाबा, जो सारी बात बताएगा। फार्म हाउस का ये हिस्सा हमने रख रखा है सब्जियों के लिए, देखो कितना हरा भरा है, मेथी है बाबा, केले रहा है, पालक है, और के केला रखे बाबा तने, ये सोया है जी, और लहसुन है जी, और बैंगन मुंगन भी तो बताओ, इस पाल भर के बैंगन, ये बैंगन है जी, एक ही पेड़ है बैंगन का, नहीं उंगा भी है पर, यो क्या का पेड़ है, अमरूद का, बढ़िया अमरूद लागे, कितने मोटे अमरूद लागे एक बार बताइए ने, इतने मोटे, हैं इतने मोटे अमरूद, ये नींबू का जी,
नाशपाती का है, एक ओले का लग रहा। ये आलू है जी, लसन है जी, या मिट्टी खड़ी जी, ये काल चला खड़ा फलिया लगाई थी सब्जी बड़ा, जो नींबू का पेड़ा, एक आम का, बड़ी आम लग, बड़ी आम आए हो। अच्छा, ये गाड़ी मुड़ी है जी, घर परले प्लाट में केला रखा, परले में भी लगा रखा ही, आगे चली गई ना फिर बता। अच्छा आ दे भाई, आगे चलो फिर बताओ बाबा नु बनाने का। ये हो गया, ये बैंगन है जी, अभी ये टमाटर लग रहे जी, बंद गोभी है, क्या हुआ क्या कहा मिट्टी, वो गाड़ी सरसों है, उसकी गाड़ी फिर मिट्टी या फिर मिट्टी। बाबा तू यो नु पूछे था संगम, तू इतना जवान है के खाया करे, केला रखे उरे तने, सब्जी ला रखी जी और क्या, सब्जी ला रखी है, खावा भी और क्या। चलो भाई तुमने हवेली दिखाऊंगा जो। तो दोस्तों ईब आ गया मेन सौदे पे, चलो यो है मेन गेट, मेन गेट पे मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मी का नाम, चलो भीतर आ जो। अंदर आते ही आप लोगों ने दिखाएगा सबसे पहले प्यारा सा झूमर, अरे झूमर के बाद तुमने मैं लेके जाऊंगा अपने प्यारे से बार में, कितनी बढ़िया बढ़िया लाइट लग रही हो रहा देखो। तू क्या कर रहा है यार, तू जा यार, मेरा दिमाग मत खराब कर यार, अपना काम कर ले। अरे तू दारू पीने लगा बैठा है, दारू वाली जगह मैं दारू ही पीऊंगा और क्या करूंगा। तेरी भड़क मिटाने खातर थोड़ी ना, इतनी बढ़िया लाइट ला रखी, तेरी भड़क मिटाने खातर भाई, ये चेक इतनी बढ़िया बढ़िया दारू ला रखी, तेरे खातर ला रखी, चेक भी तो कसी पड़ती है ना लाइट है, चेक करने पर दारू को चेक यार, तू मेरी दारू छोड़ यार, मेरी दारू छोड़ यार, मैं दिमाग ना खराब, ओ यार देख यार इस तरह से यार छोड़ यार, शराब पी आज भी ना छोड़, दिन भर देखने पा मैं देखूंगा, मैं तेरा बिठाऊंगा तेरा कच्चा यार, मैं अभी वक्त बनाऊंगा इसका, तू बनाओगे यार छोड़ दो इसने। यो था अपना बार एरिया, बार एरिया खत्म हो गया। अरे यो देखो ये पहरेदार रख रखे हूं तो हमने, अरे ये देखो दारू पीने वाला रोक सकते, देखो क्या कर रहा। चलो यो अपना ड्राइंग रूम बैठने का एरिया यार, यो गिर गया था ना ना इसमें ले ले इसमें, हाँ तो यो गिर गया था यार, इसने दोबारा लगा लू, ज्यादा एक्साइट हो गया था मैं। नीचे देखो यो कांच बहुत सॉलिड है, इस पर हम 10-15 जने भी इकट्ठे खड़े हो जाएं, बैठ भी जावा, क्योंकि ना हम पूरा लेट के भी टीवी देखा करें सारे के सारे। ये अपने सोफे हैं बहुत बढ़िया, इस पर हम 10-12 दोस्त बैठ सक रहे हैं, उरा उरा नू कर कर, ये नीचे मर पे बीन बैग से हैं, इन्हें घेर के हैं। और ये देखो पुराने जमाने का टेलीफोन, टेलीफोन पर आप बात किससे करते हो फोन पे, अरे यो मिला है फोन है, मिला के देखो न घंटी जाओगी इस तरह, ये देखो सब ना पता अपने से नंबर का, ये देखो हमारे बटन पुराने जमाने के, किस किस ने जो जो गांव में रहे होंगे या जो जो 90s से पहला जो भी बच्चे पैदा हुए होंगे उन सब ने ये बटन जरूर देखे होंगे। तो रहा बैठ के कई बार हम मेरी फाइट भी देखा करें, जो भी बड़ी फाइट हो यूट्यूब पे लगा गया वो भी देखा करें। इब तुमने कमरा दिखाऊंगा, कमरा दिखाने से पहले मैं तुमने दिखाऊंगा अपना डाइनिंग टेबल, यो है पुराने जमाने का डाइनिंग टेबल, नीचे बैठ के जिस पर रोटी खाया करें, ये पाटड़ी है हरियाणा में, पाटड़ी का मैं महाराष्ट्र में, मेरे जितने दोस्त हैं सारे नीचे बैठ कर रोटी खाओगे, घर में आज भी कल्चर है कि नीचे बैठ कर रोटी खानी चाहिए। या अपनी रसोई है तो रसोई में तो उरा नू का नू, किचन में तो जो भी सामान हो उरा सर्व हो जाए सारे का सारा, तो हम जब भी सारे दोस्त आवे उरी बैठ कर रोटी खाया करें। अब मैं तुमने दिखाऊंगा अंदर वाला कमरा, यो कमरा है भाई स्पेशल गेस्टा खातर, मेरे दोस्ता खातर, और तुम पंखे देख सको पूरे भी सेम में ही बटन है पूरे जी, मेरे दोस्त आ रहे हो दिन बीन बैगा पे बैठ के हम बात कर लें। एक चीज और दिखाऊंगा तुमने, या देखो पुराने जमाने की प्रेस, इसमें कोला का लगा है फिर प्रेस होने वाली इस्त्री, हाँ मतलब वो तो इस्त्री होती नहीं कोई, तो इस करके यह इस्त्री दे रखी दोस्ता खातर। इब तुमने मैं इस रूम का ड्रेसिंग रूम दिखाऊंगा, यो है इस रूम का ड्रेसिंग रूम, यो है बाथरूम। इस ड्रेसिंग रूम में मैंने एक गाउन निक्कर, जो फाइट में जो बॉक्सिंग फाइट में एंट्री के टाइप पे जो गाउन पे रख रहे हैं वो गाउन है निक्कर है, और ये मेरी जो मेक्सिको वाली फाइट थी वर्ल्ड चैंपियन के साथ होसे सपेदा के साथ उस टाइम वाला गाउन है। तो क्या तुम इसका गिव अवे भी कर दूं, तो अगर किसी ने चाहिए हो कमेंट जरूर करियो। तो कमरे से बाहर निकलते ही हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर आते हुए आपको फिर ये सुंदर सा झूमर दिखाई देगा, ऊपर जाके क्या क्या चीजें आपको दिखाऊंगा। ऊपर जाने के लिए भी एक पहरेदार रख रखे हो देखो, यो बाला भी ले रहा पो भी देगा किसी ना किसी का, चलो अभी ऊपर। तो ऊपर आते ही सबसे पहले आएगी अपनी सिटिंग एरिया, यो अपना बैठने का है, और जिन्हें बैठे बैठे फिर नींद आ जाए चार पांच जने इस बेड पर सो सके, यो बेड खुल भी जावे उन खातर, और एक ओका भी है देखो मुरादाबाद से लाए थे इस ओके ने। एक बात और बता दूं, इस घर में देश विदेश की सारी जगह जगह अलग अलग जगह थे ईंट, कहीं से रस्सी, कहीं से कुछ ना कुछ आया हुआ है। ये देखो ये म्यूजिक सिस्टम कितना पुराने वाला है, वो चल गया ठीक है। अब तो मैं दिखाऊंगा बाहर बैठने का एरिया, किसी ने रात में मेरे दोस्त आ रहे हो, किसी ने स्मोकिंग करनी हो, कुछ करनी हो, मैं तुमने वो एरिया दिखाऊंगा। ये है भाई, इसको हम हरियाणवी में बारजा भी कहूँ, इसने जरोखा भी कहूँ, राजस्थानी में। तो ये वो जगह है पूरा बैठ के अपना सारा साइड की सारी जगह दिखेगी, आ जाओ भीतर दिखाऊंगा। एक और दिखाऊंगा तुमने अपने इस एरिया के बाद, यह भी एक और सोने की जगह है, ये देखो। तो उरे भी अपने 3-4 आदमी सो सके, पूरा सारे के सारे सोने खातर आवे, कोई काम की बात नहीं करना, सब सोने खातर आवे,
अजो एक और सोने का कमरा दिखाऊंगा तुमने। अच्छा ये एक और सोने का कमरा है भाई, यह बहुत पुराने जमाने की अलमारी है, और ये जो बेड है ये मेरी मम्मी ने दहेज में मिला था, तो मतलब बहुत पुराना है शायद, मेरे पापा और की शादी ने भी बहुत साल हो गए होंगे, मैंने भी नहीं याद कितने साल हो गए होंगे, लगभग 40 साल के करीब तो ही गए होंगे। तो ये उस टाइम का बेड है, ये इस कमरे का वॉशरूम है, और इस कमरे की एक और बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा तुमने मैं इसमें। तो इसमें यह खिड़की है, ये चोरी वाली खिड़की है, इस खिड़की तक अगर किसी ने कुछ भी ऑर्डर देना है या बात करनी है, देखो नीचे अपना सारा ड्राइंग रूम की जगह, सारा किचन में कुछ ऑर्डर करना है तो वो सारा कुछ हो जाए यहाँ पर। अरे व्यू भी बहुत अच्छा है उधर। तो भाई इसके बाद मैं तुमने दिखाऊंगा इस हवेली का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा वॉशरूम, यो है यो वॉशरूम, जो से लोग उरे सोए हैं, जो से बाहर लौटने खातर आवे, सोने खातर आवे, उनके खातर है। आ जाओ दिखाओ तुमने। तू क्या कर रहा है उरे यार? तू मुझसे क्या ले यार, जो तू कर रहा है वही कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ? तू जो ये वीडियो बना बना के हंस रहा है ना, वही हंस रहा हूँ। अरे छोड़ यार तू, आ यार बाहर आ, तुम्हें दिखाऊंगा। इसके तो फालतू काम है, सारे के सारे उल्टे काम करने तेने, तू रपाइये ना मना, दोबारा दिखना चाहिए। आ जाओ भाई। तो यो है अपना मंच का एरिया, इस मंच पर खड़े होकर मैं दुनिया ने संबोधित करता हूँ। खड़े तो भैया दो बंदे सिर्फ। अरे ये दो अपने भाई हैं, दुनिया के बराबर हैं। अच्छा जी। हाँ अरे यो देख, अज्जू देख, दिख नहीं रहा तुमने, यो प्रकट हो जा कड़ी भी। अच्छा जी, बार में प्रकट हो गया था। हाँ। फिर बाथरूम में प्रकट हो गया, इस देखो बाहर प्रकट हो गया, कुछ भी संकट आ जाए अपने आप प्रकट हो जाए। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ तो अंत में फिर कहूंगा इस वीडियो ने और मेरे चैनल ने लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मन नहीं पता के सो दो सारा कुछ कर दो, तुम सब ने बता दू मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो भाइयों ये अपने YouTube की पहली, भाइयों नहीं दोस्तों कहूंगा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये अपने YouTube चैनल की पहला व्लॉग है। तो दोस्तों ये अपने YouTube चैनल का पहला व्लॉग है, नहीं व्लॉग कहना, वीडियो कहना, यही नहीं समझ पाया। तू बैग में दारू लेके जा रहे है तू है भाई रे, यो मेरे वो लोग ये को नहीं बनने दे, मैं अपने वो लोग कभी बनने के नहीं है, वीडियो बनने के नहीं, ये रोज दारू ले जा रहे ठाक है, ये काम है, वो चश्मा बिठा लिया, वो मेरा चश्मा बिठा लिया उसने, ले पी के पूरा मजा आता भाई नाचो। यो क्या का पेटा बाबा? बैंगन का जी। बैंगन का किस पर का? यशपाल पर का? के बन करा बाबा बैंगन का के बने? बड़ता बना, सब्जी बन जा, बड़ता बना, और क्या का बड़ता बनाओगे बाबा? हम जैसपोल का, जैसपोल का, जैकपोल बाबा ने करेक्ट कर दू, बाबा कह रहा है जैकपोल। चलो भाई।